सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज हमारी क्लासेस विलंब से चलेंगी, लेकिन इन सब के पीछे थोड़ी सी दिक्कतें हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़े ही बेसब्री के साथ हमारा इंतजार करते तो रहे, लेकिन आपने सही तरीके से वो पेशेंस भी दिखाया जिसकी वजह से मैं अभी आपके सामने उपस्थित हो पाया हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, देखिए थोड़ी सी दिक्कतों की वजह से आज आपका सुपर टेट का जो पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और आज का जो ये सुपर टेट का आपका पेपर है ये कल होगा, और कल से जो हमारे टेस्ट की टाइमिंग होगी वो 9 बजे से होगी। कल से 9 बजे से हम लोगों की टेस्ट की ये टाइमिंग सही रहेगी, और इसी समय पर 9 बजे मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा इसी टाइमिंग पर। लेकिन चूंकि आज आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो उस टॉपिक का नाम है संज्ञा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे संज्ञा के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। अगर हम संज्ञा शब्द की बात करें तो यह संज्ञा शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, सम धन ज्ञान। सम का अर्थ होता है सम्यक, उचित, ठीक या सही, जबकि ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान करना, पता करना या जानना। हाँ ठीक है सुमन जी, अब तो आवाज अच्छे से जा रही होगी ना। देखिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आज आपके लिए, और आज आपका ये प्रैक्टिस सेट संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कल से आपका सुपर टेट और सी टेट दोनों का बारी बारी से अल्टरनेट टेस्ट मैं करवाऊंगा, और टाइमिंग आपकी 9 बजे रहेगी। मुझे लगता है कि 10 बजे आप लोगों के लिए बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है प्रतीक्षा करने के लिए, तो हमारी टाइमिंग अब कल से 9 बजे से ही रहेगी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते थे। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, और टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की अगर हम बात करें तो सम धन ज्ञान से बना है। सम यहां पर क्या है? आपका उपसर्ग है, और इस सम का अर्थ होता है सम्यक, उचित, ठीक या सही, जबकि ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान करना, पता करना या जानना। अर्थात अगर हम संज्ञा की बात करें तो सीधे शब्दों में किसी के बारे में कुछ जानना ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अच्छा ये बताइए, हम किसी को किसके बारे में जानते हैं? अगर हम किसी को जानते हैं तो उसका आधार क्या होता है? किसी को जानने का आधार होता है उसका नाम। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतनी देर तक प्रतीक्षा करते रहने के लिए। तो किसी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाम से ही हमारी पहचान होती है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर पदार्थ का नाम हो, स्थिति, परिस्थिति, दिशा, दशा, कुछ भी हो, किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नाम ही संज्ञा कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से यह 2 शब्दों के योग से बना है, सम धन ज्ञान। तो अगर सीधे शब्दों में हम परिभाषा दें, आप बचपन से ही एक परिभाषा पढ़ते चले आए हैं। हाँ गुड इवनिंग परमानंद जी, गुड इवनिंग रीशु जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग शुरू से ही ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।
ये परिभाषा तो बहुत दिन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा मैंने और जोड़ दिया है कि किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब अगर हम संज्ञा की परिभाषा दें तो अस्पष्टतः हम क्या कह सकते हैं, नाम ही संज्ञा है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर भाव दशा स्थित परिस्थित किसी का भी नाम हो। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा, यहां हम प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो संज्ञा हमने यहां पर एक मैपिंग कर लेते हैं, हम यहां पर संज्ञा की परिभाषा सबसे बात पहले बात किस पर करेंगे, परिभाषा पर। और परिभाषा मैंने स्पष्टतः दे दिया, नाम ही संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी भी चीज का नाम हो, नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानिए, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, जो दूसरा पॉइंट है आपका, संज्ञा का वर्गीकरण, संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा के वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा का वर्गीकरण कितने आधारों पर हम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का वर्गीकरण विद्वानों ने चार आधारों पर किया है और ये चारों आधार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और इसी को हम व्युत्पत्ति का आधार भी कहते हैं। दूसरा है आपका गुण के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के यहां हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर। ये हाँ, अर्थ के अर्थ के आधार पर, मैं आधार यहां लिख देता हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद एक चौथा आधार है इसका, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, इन समस्त परीक्षाओं में केवल इन्हीं चार आधारों पर संज्ञा के वर्गीकरण पर चर्चा की गई, और आज हम इन चारों आधारों पर बात करेंगे कि इन चार आधार पर संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं और वो क्या क्या हैं। तो आइए एक एक को लेकर के चलते हैं। एक एक को लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको संज्ञा का जो आधार बताया, वर्गीकरण बताया, मैंने आपको स्पष्टतः बताया
कि ये चार आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है गुण के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और आपका चौथा है आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इन्हीं चार आधारों पर हमें बात करना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, हाँ वेरी गुड पंकज जी, हाँ देखिएगा जरा, उत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा की वर्गीकरण की बात करेगा तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है परमानंद जी, सपना जी, तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुण के आधार पर भी, संज्ञा के गुण के आधार पर दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं, और आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के दो भेद स्वीकार किए हैं। ये चारों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए चार नंबर आपके क्लियर हो गए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जवाब आपका तीन। गुण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जवाब दो। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच। आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, दो। तो आइए अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर, अर्थ के आधार पर और आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। तो अब सीधे इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये चार प्रश्न मुझे लगता है कि आपने यहां पर सॉल्व कर लिया है, और ये प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा के भेद। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर पहले ही बता चुका हूं तीन भेद हैं, और ये तीन भेद जरा देखिए कौन कौन से हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा, और आपका तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। तो ये पहला भेद हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। अभी अभी आप देखिए बीएड की परीक्षा हुई थी, तो बीएड की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में कौन सी रूढ़ संज्ञा है। तो उसमें चार ऑप्शन दिया था, पहला दिया था विद्यालय, दूसरा दिया था वाचनालय, तीसरा दिया था पशु, और चौथा दिया था चक्रधर। तो उसमें रूढ़ संज्ञा कौन सी थी, उसमें आपका पशु वाला विकल्प सही था। इसी पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। रूढ़ संज्ञा हमेशा याद रखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, दो निरर्थक वर्णों को मिला करके एक सार्थक या निरर्थक शब्द बनाया जाता है। जरूरी नहीं, ध्यान दीजिएगा, हाँ जी सुमन जी, जी तो ध्यान दीजिएगा, रूढ़ संज्ञा जो है हमेशा दो निरर्थक वर्णों के मेल से बनती है, और जो दो निरर्थक वर्णों के मेल से बनेंगी, जरूरी नहीं कि वो सार्थक शब्द ही हो, वो निरर्थक भी हो सकते हैं। जरा देखिए, जैसे हमने लिख दिया पा धन नी बराबर पानी, हमने लिख दिया
वा धन नी बराबर वाणी, तो वाणी का कोई अर्थ नहीं है, पानी का अर्थ है। इसका मतलब रूढ़ संज्ञाएं सार्थक भी हो सकती हैं और रूढ़ संज्ञाएं निरर्थक भी हो सकती हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो अगर हम कुछ भी लिख दें, ये देखिए, का धन म बराबर काम, तो यहां तो काम एक सार्थक शब्द है, अगर निरर्थक शब्द भी रहा होता तो भी वह आपका क्या बनता? रूढ़ संज्ञा बनता। तो मेरे समझ से आप रूढ़ संज्ञा को स्पष्टता समझ गए। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं यौगिक संज्ञा पर। यौगिक संज्ञा में क्या होता है, दो सार्थक शब्द मिल करके एक संज्ञा का निर्माण करते हैं, तो दो योग से जिस शब्द का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? यौगिक संज्ञा कहलाता है। तो जैसे अब दोनों ही शब्द सार्थक होंगे और अब वर्ण नहीं होंगे बल्कि शब्द होंगे, तो ये देखिए, जैसे हमने लिख दिया विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, हमने लिख दिया वाचन धन आलय बराबर वाचनालय, हमने लिख दिया इस तरह के शब्द, हमने लिख दिया रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। तो ये सब क्या है? ये सब आपके यौगिक संज्ञा हैं, जिसमें दो सार्थक शब्दों के योग से हम क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और वह संज्ञा शब्द होता है। हाँ बिल्कुल, शिव धनालय भी हो जाएगा, शिवालय जी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। आइए थोड़ा सा बात करते हैं योग रूढ़ संज्ञा के बारे में। आपने बहुव्रीहि समास के बारे में सुना होगा। योग रूढ़ संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? दो सार्थक शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो सार्थक शब्द मिलेंगे, लेकिन जिस तीसरे शब्द का निर्माण करेंगे उसका कोई अन्य अर्थ भी ध्वनित तो होगा, निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया चक्र धन धर बराबर चक्रधर, और यहां चक्रधर का एक दूसरा अर्थ क्या निकल गया? विष्णु भगवान। चक्रधर किसका नाम है? विष्णु भगवान का नाम है। तो चक्र धन धर यह भी आपका क्या है? यह भी सार्थक शब्द है और यह भी सार्थक शब्द है, और जो शब्द इससे मिलकर के बना यह भी सार्थक है, लेकिन इस सार्थक शब्द का एक तीसरा अर्थ भी ध्वनित हो रहा है, एक अन्य अर्थ भी ध्वनित हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसी को हम योग रूढ़ संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने और लिख दिया, ये देखिए लंबा धन उदर बराबर लंबोदर, और लंबोदर हम किसको कहते हैं? गणेश भगवान का नाम है लंबोदर। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? योग रूढ़ संज्ञाएं कहलाएंगी। तो ये उत्पत्ति के आधार पर आपके संज्ञा के तीन भेद थे। हाँ बहुत बढ़िया, नील धन कंठ बराबर नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान, बहुत अच्छा पंकज जी। और हाँ जी पूजा जी पढ़ाए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को अभी तक याद है। तो हाँ तिरंगा भी, वेरी गुड, तिरंगा में भी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि वह हमारे भारत का ध्वज हो गया, एक विशेष अर्थ ले लिया, इसलिए तिरंगा में भी यही है। हाँ तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसको समझ गए हैं, ठीक है ना? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद को हमने पढ़ लिया, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी उत्पत्ति के जगह पर दे देता है क्या, व्युत्पत्ति शब्द दे देता है, तो भी घबराइएगा नहीं। व्युत्पत्ति के आधार या उत्पत्ति के आधार, इन दोनों का मतलब एक ही है, और इस आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे,
देखिए वर्गीकरण बहुत जरूरी है, चार नंबर के प्रश्न हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। और एक चीज जान लीजिए, टेट सीटेट से लेकर के यूपीएसआई से लेकर के हिंदी के संदर्भ में दुनिया की कोई परीक्षा हो, लेकिन वो संज्ञा से अछूती नहीं रहती और संज्ञा के भेद उसमें जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बारह सिंघा भी होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे गुण के आधार पर संज्ञा के भेद। अगर कभी कोई आपसे पूछे, हाँ बिल नील कमल, नील कमल तो आपका यौगिक में आ जाएगा ना। नील कमल का कौन सा जो है अन्योक्ति परक अर्थ निकल रहा है, नील कमल यौगिक है, ठीक है। हाँ जरा देखिएगा, गुण के आधार पर संज्ञा के हम भेदों की अगर बात करें तो गुण के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। बता तो मैं आपको पहले ही चुका हूं, बस ये बताना है कि कौन कौन से हैं। पहला है आपका गुणवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। गुण के आधार पर संज्ञा के ये दो भेद स्वीकार किए गए हैं। चलिए अब अगर कभी कभी ये पूछ लेता है गुण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कभी कभी और अंदर तक जाकर के पूछ लेता है गुणवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अगर गुणवाचक संज्ञा के भेदों की बात की जाए तो गुणवाचक संज्ञा के चार भेद होते हैं। भाववाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता, लेकिन गुणवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है समूहवाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए गुणवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो चार भेद, अगर पूछा जाए गुण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो दो भेद, गुणवाचक और भाववाचक। और गुणवाचक संज्ञा के चार भेद कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक। मुझे लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी तो हम आगे आपको सारे संज्ञाओं के बारे में विस्तृत विवेचन करते हुए चीजों को स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी भी सिर्फ वर्गीकरण पर हम बात कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इसमें से आपका कोई प्रश्न छूट जाए, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल से आपका टेस्ट 9 बजे रेगुलर होगा, इसलिए 9 बजे आप अपने इष्ट मित्रों से लेकर के बंधु बांधवों तक को सबको आमंत्रित करिए। हाँ ठीक है ना। हाँ पंकज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। मैंने आपको पहले ही बता दिया अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा। परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। दूसरा है
व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और आपका पांचवा है परिमाणवाचक संज्ञा। ये पांच भेद आपके किसके आधार पर हैं? अर्थ के आधार पर हैं। अभी हम एक एक संज्ञा का वर्गीकरण करेंगे, फिलहाल ये जानते रहिए कि ये पांच भेद अर्थ के आधार पर हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जब हिंदी अपने सैसवा अवस्था में थी, शुरुआती अवस्था में थी, तो ये पांच भेद नहीं थे। प्रारंभ में केवल तीन ही भेद थे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक संज्ञाएं नहीं थी। लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कालांतर में ये दो भेद भी हिंदी में जुड़ गए और अब जो हमारी हिंदी, जो परिष्कृत हिंदी हमारी है, उसमें अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद माने जाते हैं और विद्वानों ने भी इस चीज को स्वीकार किया है। तो इसलिए ये चीज आप जानते रहिए, कभी भी परीक्षा में पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा पांच। आइए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत हो, अगर कोई कम समझ पा रहा हो, तो वह कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकता है और मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए, जहां भी आपको दिक्कत हो आप जरूर बताइए। आइए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण पर। इसके बाद है आचार्य कामता प्रसाद गुरु का वर्गीकरण। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए हैं। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी रात को भी आप पूरे शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो। पहला है पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा है भाववाचक संज्ञा। तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने पदार्थवाचक के अंतर्गत ही जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक इन सभी संज्ञाओं को समाहित कर दिया है। इसलिए मोटे तौर पर उन्होंने संज्ञा के केवल दो ही भेद स्वीकार किए हैं। तो अगर कभी भी पूछा जाए आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुझे लगता है इतना आप समझ गए हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ये सोच रहे होंगे जब मैंने आपको जी, अगर सामान्य तौर पर पूछेगा, किसी के आधार पर नहीं पूछेगा, तो आप बताएंगे पांच भेद। अगर आधार नहीं पूछेगा तो पांच भेद, ठीक है संदीप जी? और अगर किसी के, फिलहाल ऐसा होता नहीं, बिना आधार के नहीं पूछेगा, वह हमेशा यही पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या फिर पूछ लिया आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, या गुण के आधार पर, इस तरह से प्रश्न पूछता है। और अगर ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा तो आप जानते ही हैं आपके पांच भेद होते हैं संज्ञा के, ये तो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बोलिए परमानंद जी, पूजा जी, पंकज जी, संदीप जी, बताइए, कहीं कोई कंफ्यूजन?
चलिए नवीन जी, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने वर्गीकरण पर चर्चा किया, अब हम संज्ञा के एक एक भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपकी पहली संज्ञा जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं वो है जातिवाचक संज्ञा। अमूमन आपने संज्ञा के बारे में जब भी पढ़ा होगा तो आप सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जातिवाचक संज्ञा को जब हम किसी विशेष नाम से जानते हैं तो वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें और इसकी परिभाषा की बात, देखिए इस समय जो नई परीक्षाएं हो रही हैं, जो आने वाले समय में जो परीक्षाओं का एक ट्रेंड बनता जा रहा है, इसमें परिभाषाओं को भी पूछना शुरू कर दिया है, तो इसलिए आप किसी चीज की परिभाषा को जरूर जानिए। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने समूचे वर्ग, वर्ग माने समूह नहीं, होल क्लास, अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कश्मीर सेब, कश्मीरी सेब, कश्मीर, कश्मीर सेब तो प्रेमचंद की रचना है। कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब जो है यह आपका व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएगा, कश्मीरी व्यक्तिवाचक विशेषण है और सेब जो है आपका विशेष है। चलिए बड़ी खुशी की बात है पूजा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कल से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट जबरदस्त तरीके से चलेगा और टाइमिंग भी मैंने और पहले कर दिया है। कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं बहुत लेट में प्रैक्टिस सेट आपका हल करवाता हूं, तो 9 बजे से रहेगा और 9 बजे से कल आप लोग पूरे जोर शोर के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जिससे मुझे इस बात का एहसास हो कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ 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 पंकज जी, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इनको सीधे शब्दों में ऐसे बोल दीजिए कि ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने पूरे वर्ग कोष्टक में जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी पीटी जी, जो अपने समूचे जाति का बोध कराते हैं, तो जाति का मतलब आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए आप क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने पूरे वर्ग, यहां वर्ग माने जाति, होल क्लास, जो अपने पूरे वर्ग का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा पहचानने के नियम पर आज हम बात नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं नीलम जी, आप आ गई, यही बड़ी बात है। और आज तो सब कुछ है, पूर्व नियोजित नहीं हो पाया, आज हम टेस्ट लेना चाहते थे आप लोगों का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी वजह यह रही कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पीडीएफ में हमारा पेपर यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन घबराइए मत, कल से 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा और 9 बजे रेगुलर आपका टेस्ट होगा। हाँ तो जरा देखिएगा, देखिए जो अपने पूरे वर्ग का बोध कराएंगे, जैसे हमने यहां लिख दिया
लड़का, लड़का कह देने मात्र से ही समस्त लड़के जाति का बोध हो रहा है, समस्त लड़कों का बोध। अब चाहे अमेरिका का लड़का हो, चाहे जापान का लड़का हो, चाहे भारत का लड़का हो, चाहे काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, ठिगना हो, मोटा हो, छोटा हो, किसी भी तरह का लड़का होगा, लेकिन लड़का माने लड़का, अपने पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। और इसलिए लड़का यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरह से अगर हमने यहां पर लड़की लिख दिया तो यहां लड़की कह देने मात्र से ही यह अपने समस्त लड़की जाति का बोध कराएगी। पूरे दुनिया में जितनी लड़कियां हैं सब लड़की के अंतर्गत आ जाएंगी, चाहे वह किसी भी तरह की लड़की हो, छोटी मोटी ठिगनी नाटी काली गोरी चाहे जैसी हो, लड़की कह देने मात्र से ही पूरी दुनिया की लड़कियों का बोध होने लगेगा। चाहे वो अमेरिका की लड़की हो, चाहे जापान की लड़की हो, चाहे हिंदुस्तान की लड़की हो, कहीं से भी, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, हमने लिख दिया जैसे पर्वत, पर्वत कह देने मात्र से ही समस्त जितने संपूर्ण पर्वतों का बोध होने लगता है, समस्त पर्वतों का बोध होने लगता है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे विंध्य हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आल्पस हो, किसी दुनिया के किसी भी पर्वत का, केवल पर्वत कह देने मात्र से ही दुनिया के सारे पर्वतों का बोध होने लगता है। तो इसलिए यहां पर पर्वत शब्द भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए लिख दिया नदी, नदी कह देने मात्र से ही दुनिया की सारी नदियों का बोध होने लगता है। हमने कह दिया पंखा, पंखा कह देने मात्र से ही समस्त पंखों का बोध होने लगता है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन जब हम इनको एक विशेष रूप से वर्गीकृत कर देते हैं, 9 बजे नहीं रखेंगे तो 10 बजे कैसे रखेंगे? 10 बजे रोज आप लोग पढ़ पाएंगे? हाँ, अभी नवीन जी उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था कि इसी तरह से जातिवाचक संज्ञाएं बनती हैं। और अब हम आगे बात करेंगे कि वास्तव में जो ये जातिवाचक संज्ञा है इसको पहचानने के नियम क्या है। अगर इस नियम को आपने जान लिया तो दुनिया की कोई जातिवाचक संज्ञा रहेगी वो आपसे बचेगी नहीं, और आप उसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तव में यहां पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। बताइएगा, अभी देखिए कल के लिए तो 9 बजे की ही टाइमिंग रखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो कल आप लोग 9 बजे ही पूरे शिद्दत के साथ और पूरे तैयारी के साथ टेस्ट में उपस्थित होइए। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण चीज, सुबह 11 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी वर्णमाला की। वर्णमाला पर मैंने 3 लेक्चर ले लिया है और वर्णमाला का 4th लेक्चर कल होगा 11 बजे आपका, और 11 बजे आपकी वो लाइव क्लास चलेगी, उसमें भी आप लोग अपनी पूरी सहभागिता प्रदर्शित करिए। तो फिलहाल अभी हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत इनको पहचानने के नियम क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कल मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, क्या क्या चीजें जातिवाचक संज्ञा हो सकती हैं। जैसे पद, पदों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। इसके अलावा आप देखिए व्यवसाय, व्यवसायों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके अलावा जाति, जातियां भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। इसके अलावा संबंध, संबंध भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे पद का नाम अगर हमने कह दिया, अच्छा ठीक है दे दीजिए, 10-10 रुपया सब लोग देंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। हाँ ठीक, तो अगर हम पद की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और
स्पीकर, नेता, महामंत्री, ये सब क्या है? पद हैं। और पदों के नाम हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यवसायों के नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हमने कह दिया डॉक्टर, इंजीनियर, लुहार, बढ़ई, अभिनेता, अभिनेत्री, नायक, नायिका, ये सब क्या हैं? व्यवसाय हैं। और ये सब भी क्या हो जाएंगे आपके? ये सब भी आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। देखिए इसके बाद आपका जाति है, जातियां भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इसके अलावा जातियों की उपजातियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे शुक्ला, तिवारी, ठाकुर, सिंह, यादव, विश्वकर्मा, तो ये सब भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। संबंध भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही होते हैं। जैसे भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, और नाना नानी, दादा दादी, तो ये सब क्या हैं? संबंधों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कह दिया हाथी, घोड़ा, गौरैया, तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, मोर, ये सब क्या हैं? ये सब भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है, आप लोगों से कोई डिमांड नहीं है। आप लोग संस्था के हितार्थ कुछ देना चाहते हैं तो उससे इनकार भी नहीं है। तो देखिएगा, इसके अलावा आपके फलों के नाम, फलों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे आम, अमरूद, केला, हाँ हाँ नवीन जी, शेर, बाघ, बंदर, सब ठीक है। हाँ, तो फलों के नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आम, अमरूद, केला, मौसम्मी और अनार, सब कुछ ठीक है। और फलों की जो प्रजातियां होती हैं वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। इसके अलावा आप देखिए फूलों के नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फूलों के नाम जैसे गुलाब, गुड़हल, गेंदा, हाँ बंदर भी जातिवाचक संज्ञा है। तो जैसे हमने कह दिया गुलाब, गेंदा, गुड़हल, जितने फूल, कनेर, ये सब क्या हैं? ये सब भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखिए अनाजों के नाम, अनाजों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, ये सब भी क्या हैं? ये सब भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपके कीड़े मकोड़ों के नाम, जैसे तिलचट्टा, कनखजूरा, मच्छर, और आप देखिए ऐसी चीजें भी हमेशा किसके अंतर्गत आती हैं?
सांप, बिच्छू, ये सब सब क्या है आपके कीड़े मकोड़ों के नाम से लेकर के जीव जंतुओं के नाम, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अजगर हमने कह दिया, सांप कह दिया, और इसके अलावा आपके और भी जीव जंतु जो हैं गिलहरी, ये सब सब क्या हैं, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर हो तो पूछ लीजिए। शहरों के नाम तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, शहर जातिवाचक संज्ञा है, शहरों के नाम हमेशा। हाँ अरे ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग याद करते हैं यही बहुत बड़ी बात है। पर्वतों के नाम रहेंगे तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, जैसे हिमालय हुआ, विंध्य हुआ, ये सब सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी आगे बताएंगे ना, ये सब अपवाद मैं आपको बता रहा हूं जहां पर नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए, ऐसी चीजें जो लकड़ी या किसी धातु से बनी रहती हैं वो सब भी हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। मुंह से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, बहुत लिख दिया हूं। जैसे तलवार, तलवार किससे बना है, धातु से। अब जैसे हमने कह दिया कुल्हाड़ी, हमने कह दिया कुर्सी, मेज, ये सब सब क्या हैं। इसके अलावा आरी, कैमरा, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें, ये व्हाइट बोर्ड आपका, फिलहाल व्हाइट तो दिख नहीं रहा है, डिजिटल बोर्ड कह दीजिए, ये सब सब क्या हैं। ये सब भी बोर्ड अगर शब्द कहा जाए तो यह भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। बोर्ड माने वो नहीं संस्था वाला, नहीं तो समूहवाचक में चला जाएगा। हां हथौड़ा, ये सब सब क्या है आपके, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी चीजें ऐसी हैं धातुओं से निर्मित हों, लकड़ी से निर्मित हों, या फिर किसी अन्य चीज से निर्मित हों, हां ये कलम तक आपका जातिवाचक संज्ञा है। पंखा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर इनको आपको व्यक्तिवाचक बनाना है तो इनको कोई विशेष नाम दे दीजिए। जैसे पंखा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, हमने कह दिया ऊषा पंखा, व्यक्तिवाचक हो गया। स्कूटर क्या है, लोहे से बना है, तमाम चीजों से बना है, हां बंदूक भी जातिवाचक हो गया। अब आप लोग हमसे पहले ही सब बता दे रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, इसका मतलब ज्यादा समझ रहे हैं। हां बहुत बड़ी, सुनिए, हमने कह दिया, तो मान लीजिए हमने स्कूटर कह दिया, स्कूटर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हमने कह दिया बजाज स्कूटर, तो बजाज स्कूटर क्या हुआ, ये कंपनी विशेष का स्कूटर हो गया, और विशेष नाम होने की वजह से क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जैसे ये देखिए, मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास कलम है, कलम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। हमने कह दिया रेनाल्ड कलम, यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जब हम उसको किसी विषय नाम विषय, हाँ एक्टिवा स्कूटी भी हो गया व्यक्तिवाचक, अगर स्कूटी रहा होता तो जातिवाचक होता। हां ठीक है, सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है आप इसको काफी हद तक समझ गए हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो कल हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग रात में भी इतने शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परिश्रम कर रहे हैं, और एक बार फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आज आपका टेस्ट नहीं करवा सका, लेकिन कल से आपका टेस्ट 9 बजे अपने निर्धारित समय पर ही होगा, और आप अपने दल बल के साथ 9 बजे कल जरूर उपस्थित होइएगा। मुझे बेसब्री के साथ आपका इंतजार रहेगा, और आज की क्लास अब मैं आपकी यहीं समाप्त घोषित करता हूं। कल हम इसके आगे किसी अन्य समय पर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ एक और महत्वपूर्ण सूचना, हाँ ठीक है नवीन जी, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो नंबर नहीं पाएंगे, और नंबर नहीं पाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ पंकज जी अब रहने ही दे रहे हैं अब, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को एक बार फिर से। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल।
11 बजे ध्यान रखिएगा, कल वर्णमाला के चौथे लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा, सुबह में 11 बजे और रात को 9 बजे टेस्ट सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, और अल्टरनेट में मैं आपकी टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, एक दिन सुपर टेट एक दिन सी टेट। तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको बोलूंगा शुभ रात्रि, धन्यवाद।